क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रजापति। ये दुकान कहाँ आपकी लगी हुई है? भैया ये बनारस के दशास में घाट पे लगी है। लगी है। अब क्या क्या बेचते हैं सर? चॉकलेट डोसा है हमारे पास, बनाना डोसा है, उत्पम है, मसाल डोसा है, स्पेशल मसाल डोसा है। जहाँ सामने देख रहे हैं कि ये घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, और आज जो है कि उनके यहाँ जो है कि चॉकलेट मसाला डोसा हम खाकर देखेंगे कैसा इनका स्वाद है। और खास और इनका वेस्ट डिश लक्षण लगा हुआ है। मसाला डोसा बेचते हैं, चॉकलेट बनाना बेचते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा प्रजापति। ये दुकान कहाँ आपकी लगी हुई है? भैया ये बनारस के दशास में घाट पे लगी है। लगी है। अब क्या क्या बेचते हैं सर? चॉकलेट डोसा है हमारे पास, बनाना डोसा है, उत्पम है, मसाल डोसा है, स्पेशल मसाल डोसा है, प्लेट डोसा है, इडली है। अच्छा, बहुत प्रकार का हमारे पास अवेलेबल है। दुकान कब से लगा रहे हैं आप लोग? ये दुकान हमारा भैया 2 साल से। 2 साल से है। उसके पहले क्या करते थे सर? उसके पहले भी दुकान था। बाहर हम आपको डोसा खिला रहे हैं, वेजिटेबल डोसा। वेजिटेबल डोसा बल खिलाइए, चॉकलेट डोसा खिलाइए। चॉकलेट वाला खाएंगे? हाँ, नया चीज़ खिलाइए पूरी। केला लेके आओ। कौन सा कहीं कौन सा कौन सा बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं बोलिए। प्लेन डोसा बना रहे हैं। प्याज टमाटर की बल रहता है इसमें। प्याज टमाटर? हाँ, वो सस्ता लोगों के लिए है, वो समझ रहे हैं वो। हाँ हाँ, 15-20 रुपये में ही पेट भरेंगे। अरे ठीक है भैया, बहुत जरूरी है। हमारा चॉकलेट डोसा बनाइए आप। तो नया चीज देखेंगे तो मजा आएगा बताने में। गरी देख कटा वाला कहाँ हो? गरी गरी वो दिन कटोरी में कहीं तक ले लेना। हाँ सर, मतलब जो है चॉकलेट डोसा है ये और बनाना डोसा है, तो इसमें मतलब कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? और ये क्या है सर? ये मतलब कि ये हनी है, मतलब शहद है। इसको फॉरनर ज़्यादा खाते हैं इधर। ठीक है सर, मतलब हम बर्तन खींच लेते हैं। ये केला है। अच्छा, और ये जो क्या है सर? गरी है। और ये चॉकलेट है। तो आज जो है कि चॉकलेट बनाना और उसके बाद जो है ये गरी है आपका हनी में, इसका प्रयोग करेंगे आज जो है कि इसी के साथ जो है कि हम जो है कि चॉकलेट बनाना जो है डोसा खाएंगे। तो इसमें चॉकलेट डाल दिए हैं आप? हाँ। आज चॉकलेट के बाद क्या डाले हैं? हनी। कुछ नहीं, हनी डाले। चॉकलेट शहद तो एकदम आराम से बनेगा, हम भी देख कर लेंगे। अरे एकदम आराम से बनेगा, वो धीमा है। और ये चॉकलेट तो घुल गया। हाँ, और हनी उसके साथ घुल गया। डार्क चॉकलेट रहता है ये। हाँ, चार चॉकलेट जैसा है। इसमें चॉकलेट डाले हैं और इसमें हनी डाले हैं। अब उसके बाद क्या डालना है? गरी। कोकोनट डालना है। चप्पू दीजिए। और सर ये केला है। हिसाब देख रहे हैं, केला डालना है इस मसाला डोसा में। लास्ट में इसमें ड्राई फ्रूट पड़ता है। ड्राई फ्रूट पड़ती है जिसमें ड्राई फ्रूट में क्या क्या डालना है? ये हो गया फिनिश। शहद डालते हैं? ये केले में पड़ेगा। अच्छा, शहद। हाँ, वो चॉकलेट के लिए था, ये केले के लिए था। तो ये अधिकतर मतलब तो बहुत जगह हम देखे नहीं है बनते हुए, ये अधिकतर आप ही बना रहे हैं कहीं और बनता है ये? बनते हैं, बहुत सारी दुकान पे बनते हैं, हर जगह का अलग अलग रेट है। आप क्या क्या रेट है इसका? 35।
सांबा चटनी के साथ, सांबर चटनी के साथ 35। दशाश्वमेध घाट पर ही, मतलब कि उधर देख रहे हैं पहली बार हम खा रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ सांबर दिए हैं, ये आपका बनाना, और ये क्या है, सांबर है, और ये क्या है, चटनी है, और ये आपका केसो क्या कहेंगे इस डिश को, चॉकलेट डोसा, बनाना चॉकलेट डोसा, खास तौर से फ्रिज में रख दे भाई। ये दोस्तों आ गया बैनर चॉकलेट डोसा। चलिए दोस्तों इसका स्वाद लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि इसके अंदर चॉकलेट भरा हुआ है और साथ साथ केले की स्लाइड भरी हुई है जो कटी हुई है, और इसमें ड्राई फ्रूट भी डाला जाता है दोस्तों। इसके मटेरियल से ही मालूम होता है दोस्तों कि इसका टेस्ट जो है मीठा होगा। चलिए दोस्तों इसका हम लोग स्वाद लेते हैं। अश्विनी घाट वाराणसी का बैनर चॉकलेट डोसा खाकर दोस्तों मजा आ गया। इस वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त रविराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।